आज भारत में भारी मात्रा में सीफेयर्स ट्रेंड किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेंड सीफेयर्स विश्व शिपिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड मैन पावर की मांग को पूरा करने में सहायक होंगे। ये एक ऐसा संस्थान है जहां सीफेयर्स तैयार किए जाते हैं, यानी यहां नाविक समुद्री जहाज में इंजीनियरिंग, तकनीकी और शिपिंग से जुड़े अन्य कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये संस्थान पिछले 15 सालों में करीब 3,50,000 सीफेयरर्स को ट्रेन कर चुका है। यही नहीं, साल 2013 में तो इस संस्थान ने करीब 30,000 सीफेयरर्स को ट्रेन किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। We have trained 29,000 students, seafarers, and in last 15 years, more than 3,50,000 candidates I have trained. And I am running 48 courses, which is approved by Ministry of Shipping, Director General of Shipping, Ministry of Shipping. And especially in the 2013, I have trained almost 30,000 seafarers in post-sea training. And almost 1,000 seafarer in pre-sea training, and I think this must be my highest record, and this must be a world highest record also. यहाँ IMO और DG Shipping के अनुसार आधुनिक ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग लेने वालों में वो भी लोग शामिल होते हैं जो पहले से किसी शिप पर काम कर रहे हों। लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट हम अपने क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, फॉर एग्जांपल्स द क्लासरूम, हर क्लासरूम हमारे यहाँ DLP प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड्स है, बायोमेट्रिक थंब सिस्टम्स है। वी हैव टू फॉलो द IMO गाइडलाइन वेयर इज रिटन हाउ मेनी आवर्स प्रैक्टिकल विल बी देयर, हाउ मेनी आवर्स थ्योरी विल बी देयर, एंड हाउ मेनी आवर्स एग्जामिनेशन विल बी देयर। यू हैव टू फॉलो दैट ट्रेड एंड सर्टन कोर्सेज विच वी हैव टू मेट द सिमुलेटर्स, how you have to train the seafarer or captain, how to steering the ship, how to get the radar observers, how to get the GMDSS courses. So this we are having the simulator courses, as well as we have to give the practical training, like firefighting training of our officer, advanced firefighter training we are giving. ग्लोबल बिजनेस पूरे विश्व की शिपिंग इंडस्ट्री के रंग रूप को बदल रहा है। ऐसे में शिपिंग इंडस्ट्री को बड़ी भारी मात्रा में ट्रेंड मैन पावर की जरूरत है। भारत विश्व के कुछ गिने चुने देशों में है जहां ट्रेंड सीफेयरर्स तैयार किए जाते हैं। सीफेयरर्स की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत की ऐसी मरीन संस्था भारी मात्रा में सीफेयरर्स तैयार करने में लगी हुई है।